तो हे गाइज वेलकम बैक। तो गाइज आज हम लोग फिर से लौटे एक नई GTA वीडियो के साथ। तो गाइज आप देख ही सकते हो यहाँ पे सारे इंडियन कास्ट का लाइनअप है। तो गाइज आज मैंने ये वाला जो ट्रैक बनाया है इसमें बेसिकली अपने को करना क्या है, यहाँ से अपने को स्टार्ट करेंगे, यहाँ से अपनी कास्ट को स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे थोड़ा बहुत पानी है, आप देख ही सकते हो यहाँ पे पानी है, फिर यहाँ पे भी पानी है, फिर उसके आगे भी पानी है, यहाँ पे भी पानी है। तो गाइज आप देख सकते हो कि जैसे जैसे ये ट्रैक आगे बढ़ता जाता है यहाँ पे जो पानी का जो लेवल है वो भी गहरा होते जाएगा। यहाँ पे भी पानी है गाइज आप देख सकते हो। तो गाइज आपने देख ही लिया ट्रैक कितना खतरनाक बना हुआ है। तो गाइज देखते हैं हमारी कौन सी इंडियन कार है जो ये जो ऑब्स्टिकल वाला ट्रैक है उसको कंप्लीट कर पाती है। आप देख सकते हैं ऑब्स्टिकल में यानी अपना पानी है उसमें। तो गाइज देखते हैं अपनी कौन सी इंडियन कार में सबसे ज़्यादा वाटर रेजिस्टेंस है और जो गाड़ी बन नहीं पड़ेगी और जो गाड़ी सबसे आगे जाके कंप्लीट करेगी वो होगी ये वाले टेस्ट में पास। तो गाइज देखते हैं कौन सी इंडियन कार हमारा ये वाला जो चैलेंज है वो कंप्लीट कर पाती है। तो गाइज वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। तो गाइज प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो अगर आप नए हो ये चैनल पर। मैं इसी तरह GTA की नए नए वीडियोज़ लाता रहूँगा और आगे जाके हम लोग का प्लान है कि हम लोग वर्चुअल रियलिटी का भी वीडियोज़ डालने वाले हैं ये वाले चैनल पर। तो गाइज अगर आपको ये वाला सब कंटेंट पसंद है तो प्लीज़ आप लाइक और सब्सक्राइब कर दो। तो गाइज सबसे पहले बढ़ेंगे हमारी मारुति 800 के साथ। तो गाइज आप देख सकते हो मारुति 800 काफ़ी छोटी गाड़ी है, तो गाइज इसको दिक्कत आने वाली है। तो और आप देख सकते हो पानी का आगे आगे जो लेवल है वो बढ़ता जाएगा, तो हो सकता है इसको दिक्कत आ जाए। तो गाइज देखते हैं फिर भी हम लोग ये मारुति 800 ये वाले ट्रैक में कैसा परफॉर्म करती है। तो गाइज स्टार्ट करते हैं, देख सकते हो। अरे भाई गाइज तो फर्स्ट वाला जो है वो क्लियर कर दिया इसने। अब बढ़ेंगे अपने सेकेंड पड़ाव की ओर। और भाई सेकेंड पड़ाव भी बहुत ही सक्सेसफुली क्लियर। तो गाइस तीसरा भी हो चुका है और बढ़ेंगे हमारे चौथे पड़ाव की ओर। और गाइस चौथा भी बहुत ही सही तरीके से पार कर दिया है गाइस। तो गाइस ये हमारा फाइनल है, देखते हैं गाइस इसमें कैसा परफॉर्म करती है अपनी 800। गाइस बहुत ही सही तरीके से गई है गाइस, देखते हैं भाई निकलेगी कि नहीं यहाँ से। तो गाइस यहाँ पर आके अपनी जो 800 है वो बन पड़ चुकी है, एकदम एंड पर आके अटक गई गाइस। ये आखिरी पड़ाव था, ये क्लियर कर पाती तो भाई हमारी मारुति 800 सक्सेसफुली ये चैलेंज को कंप्लीट कर पाती, लेकिन सैडली हमारी मारुति एकदम एंड मोमेंट पे आके हो जाती है डिस्क्वालीफाइड। तो गाइज बढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट कार की ओर जो है अपनी फोर्ड के एंडेवर। तो गाइज अपने देख के लिए अपनी मारुति कितनी क्लोज आके बंद पड़ गए। तो गाइज देखते हैं अपनी एंडेवर ये वाला ट्रैक में कैसा परफॉर्म करती है। गाइज वाटर का लेवल धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, आप देख ही सकते हो। तो गाइज फर्स्ट जो ट्रैक है वो सक्सेसफुली कर दिया है कम्प्लीट। अब बढ़ेंगे सेकेंड पड़ाव की ओर। और गाइस सेकेंड पड़ाव में भी अपने एंडेवर ने कर दिया है बहुत ही इजीली कंप्लीट। और ये अपने तीसरे पड़ाव की ओर, यहाँ पे पानी का लेवल थोड़ा ज़्यादा है गाइस, लेकिन इसको भी हमारे एंडेवर ने कर दिया है कंप्लीट। और गाइस ये हमारा लास्ट है, इसमें देखते हैं क्या होता है गाइस। तो गाइस इसी के साथ हमारी एंडेवर बनती है हमारी फर्स्ट कार ये चैलेंज को कम्प्लीट करने के लिए। तो गाइस इसको हम लोग इधर ही पार्क कर देंगे साइड में। तो गाइस बढ़ेंगे हमारी अगली कार की ओर जो है अपनी महिंद्रा की बोलेरो। तो गाइस देखते हैं बोलेरो ये वाला चैलेंज कैसे कंप्लीट कर पाती है। तो गाइस आप देख सकते हो पानी यहाँ पे बढ़ता जा रहा है इसका लेवल। तो गाइस कोई बात नहीं, अपन पहले इसको पार कर देंगे भाई। इसको फर्स्ट वाला जो पड़ाव है वो पार हो चुका है और ये नीचे जंप मार दिया है इसने। तो सेकेंड गाइस सेकेंड वाला पड़ाव भी ईजिली पार हो चुका है गाइस, इसका क्लियरेंस काफ़ी सही है। अब बढ़ेंगे हमारे तीसरे पड़ाव की ओर। और गाइस तीसरे पड़ाव भी इजीली कंप्लीट कर दिया है गाइस, इसका हाइट काफ़ी ज़्यादा है तो गाइस इसको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और ये लास्ट पड़ाव की ओर गाइस यहाँ पे तो भी बहुत ही इजीली कंप्लीट कर दिया है गाइस इसने ये वाला चैलेंज। तो गाइस हमारी जो स्कॉर्पियो है वो भी हो जाती है ये टेस्ट में पास। तो गाइस बढ़ेंगे हमारे अगली कार की ओर जो है अपनी वैगनार। गाइस देखते हैं वैगनार ये वाला टेस्ट कैसा परफॉर्म करती है। गाइस पानी का लेवल बढ़ते जा रहा है गाइस। और गाइस पहले इसमें तो भाई पार कर दिया है अपनी वैगनार ने, पढ़ेंगे अभी अपने सेकंड पड़ाव की ओर। और गाइस देखते हैं गाइस इसको पार कर पाते हैं कि नहीं। गाइस यहाँ पे थोड़ी दिक्कत हो रही है अपने वैगनार को, अभी भी गाड़ी चालू है। बहुत ही सही गाइस, बहुत ही सही परफॉर्मेंस दिया है भाई अपनी वैगनार। बहुत ही प्रॉब्लम आई थी लेकिन कोई बात नहीं, इसने क्लियर कर दिया है गाइस। गाइस इसको भी सिंपली पार कर दिया है इसने। गाइस लास्ट जो पड़ाव है उस पर देखते हैं गाइस वैगनार क्या करती है। गाइस यहाँ पे थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है लेकिन गाइस अभी तक तो अपनी इंजन चालू है। तो गाइस बहुत ही सही तरीके से अपने वैगनार ने इसको पार कर दिया, काफ़ी अनएक्सपेक्टेड था, मुझे नहीं लगा वैगनार इसको पार कर पाएगी।
लेकिन गाइस वाटर रेजिस्टेंस काफ़ी सही है इसका, और अपनी वैगनार होती है सक्सेसफुली पास ये टेस्ट में। तो गाइस बढ़ेंगे हमारी अगली कार की ओर, जो अपनी मारुति की स्विफ्ट। तो गाइस स्विफ्ट भी काफ़ी अच्छी गाड़ी है, इसका वाटर रेजिस्टेंस भी काफ़ी तगड़ा है। गाइस देखते हैं ये वाले टेस्ट में कैसा परफॉर्म करती है अपनी स्विफ्ट। गाइस पहला जो पड़ाव है उसको पार कर चुकी है, गाइस पहला लेवल को पार कर चुकी है अपनी स्विफ्ट। तो गाइस ये वाला जो लेवल है थोड़ा सा ज़्यादा, इसके बाद वाला जो लेवल आता है ना वो थोड़ा ज़्यादा गहरा पानी वाला है, गाइस उसको पार करना इंपॉर्टेंट है। गाइस इसमें भी थोड़ी दिक्कत आ चुकी है अपनी स्विफ्ट को, लेकिन गाइस सक्सेसफुली निकल चुकी है अपनी स्विफ्ट। तो गाइस इसमें शायद से थोड़ा ज़्यादा पानी है ये वाले जो, नहीं नहीं ये वाला नहीं, इसके पहले वाले में था, कोई बात नहीं गाइस। तो गाइस आप देख सकते हो गाइस स्विफ्ट ने भी तीसरे पड़ाव को भी पार कर दिया है, और ये आखिरी और चौथा पड़ाव, और गाइस इसमें थोड़ी दिक्कत है लेकिन गाइस अपनी स्विफ्ट ने इसको सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिया है। गाइस तो स्विफ्ट को भी हम लोग रख देंगे यहाँ पे पार्क। तो गाइस अगली कार है अपनी i20। तो गाइस i20 भी इसकी हाइट थोड़ी छोटी है तो शायद इसको दिक्कत हो सकती है। जैसे आपने देखा मारुति 800 अभी तक सिर्फ एक ही इकलौती कार है जो हो चुकी है अपनी डिस्क्वालीफाइड, बाकी अभी तक जितने भी कार्स थे सब लोग ने ये वाले ट्रैक को कंप्लीट किया है। गाइस देखते हैं अपने i20 क्या करते हैं। गाइस को तो पानी मिला ही नहीं पहले पड़ाव में, गाइस दूसरे पड़ाव में जाएंगे अभी। गाइस दूसरे पड़ाव में पहुंच चुके हैं हम लोग, ये थोड़ा टफ है गाइस इसको पार करना, अभी तक इंजन चल रहा है, और गाइस अपना इंजन हो चुका है बंद। तो गाइस सैडली हमारी i20 पानी जाने की वजह से हो चुकी है बंद। तो गाइस हमारी i20 को भी हम लोग डिस्क्वालीफाई कर देंगे। तो गाइस बढ़ेंगे हमारे अगली कार की ओर, जो है अपनी फॉर्चुनर। तो गाइस ये वाली कार तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करनी चाहिए ये वाले ट्रैक में, देखते हैं गाइस इसका क्या होता है हाल। कार स्टार्ट कर दिया है हम लोग ने, गाइस पानी तो बहुत ही इजीली पास कर दिया पहले लेवल का, अब बढ़ेंगे सेकंड लेवल पे। गाइस सेकंड लेवल पे का पानी थोड़ा ज़्यादा रहता है, लेकिन गाइस सेकंड लेवल का पानी भी अपना टोयोटा ने बहुत ही सही तरीके से पार कर दिया फॉर्चुनर में। अब पढ़ेंगे तीसरे पड़ाव की ओर, और गाइस तीसरे पड़ाव में भी पानी बढ़ चुका है थोड़ा बहुत, लेकिन अपने टोयोटा ने इसको भी कंप्लीट कर दिया है, और ये गाइस आखिरी चढ़ाव है। तो गाइस ये अपना आखिरी पड़ाव है, आखिरी लेवल, तो देखते हैं कि इसमें क्या होता है गाइस। और गाइस काफ़ी इजीली पार करना चाहिए, लेकिन गाइस पानी का लेवल काफ़ी बढ़ चुका है यहाँ पे, और गाइस सैडली पानी का लेवल बढ़ने के कारण अपना फॉर्चुनर में पानी घुस चुका है, और गाइस पानी घुसने के कारण अपनी फॉर्चुनर हो जाती है बंद, और इसी के कारण अपनी फॉर्चुनर को अपने को डिस्क्वालीफाई करना पड़ेगा। तो गाइस बढ़ेंगे हमारी अगली कार की ओर, जो है अपनी वेन्यू। तो गाइस देखते हैं वेन्यू ये वाला जो ट्रैक है उसमें कैसा परफॉर्म करती है। गाइस का भी हाइट ठीक ठाक है, लेकिन अभी आप जैसे देख सकते हो पानी का लेवल धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। गाइस देखते हैं क्या होता है हाल इसका। गाइस फर्स्ट वाला जो चढ़ाव है वो इजीली पार कर दिया है गाइस ने, अब बढ़ेंगे भाई सेकंड वाले पे। तो गाइस सेकंड वाले पे बहुत ही मुश्किल, लेकिन गाइस का स्पीड काफ़ी सही था, तो गाइस इसने भी पार कर दिया है सेकंड वाला लेवल। अब बढ़ेंगे तीसरे लेवल पे गाइस। तो गाइस तीसरे लेवल पे भी गाइस इसने बहुत ही इजीली पार कर दिया है, गाइस का स्पीड काफ़ी ज़्यादा है, तो गाइस ये इजीली पार करते जा रही है गाइस। और ये गाइस ये फोर्थ वाला लेवल भी गाइस इसने इजीली पार कर दिया है। तो गाइस आप देख सकते हो गाइस अपनी वेन्यू ने भी इसको सक्सेसफुली पार कर दिया है। तो गाइस इसी के साथ अपनी वेन्यू को भी मैं लगा दूंगा इधर ही साइड में। तो गाइस बढ़ेंगे हमारी अगली कार की ओर, जो है अपनी XUV 700। तो गाइस देखते हैं अपनी XUV 700 ये वाले टेस्ट में कैसा परफॉर्म करती है। और गाइस पहला वाला जो लेवल है वो इजीली पार कर दिया है गाइस, थोड़ा दिक्कत आया एंड में लेकिन कोई बात नहीं। पढ़ेंगे सेकंड लेवल की ओर, गाइस सेकंड लेवल काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन गाइस सेकंड लेवल भी इसने इजीली कंप्लीट कर दिया है। अब पढ़ेंगे हमारे तीसरे लेवल की ओर, गाइस तीसरे लेवल को भी शायद ये इजीली कर पाएगी, आप देख ही सकते हो बहुत इजीली कंप्लीट कर दिया है इसने। और गाइस ये आता है अपना लास्ट लेवल, तो गाइस देखते हैं गाइस इसमें क्या होता है हाल इसका। गाइस लास्ट लेवल में थोड़ा दिक्कत आ रही है, लेकिन गाइस लास्ट लेवल भी इसने बहुत ही इजीली कंप्लीट कर दिया। तो गाइस इसी के साथ अपनी XUV 700 भी हो जाती है ये टेस्ट में पास, तो गाइस इसको भी हम लोग इधर ही साइड में लगा देंगे। तो गाइस बढ़ेंगे हमारी अगली कार की ओर, जो है अपनी टाटा की नेक्सॉन। तो गाइस ये वाली जो टाटा कंपनी की कार है ये बनती है क्वालिटी, ये जानी जाती है अपने क्वालिटी के लिए। तो गाइस देखते हैं गाइस टाटा नेक्सॉन कैसा परफॉर्म करती है ये वाला ट्रैक। और गाइस
फर्स्ट लेवल सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिया है गाइस ने। पढ़ते हैं अपने सेकंड लेवल की ओर। गाइस यहाँ पे पानी थोड़ा ज़्यादा है, ओ भाई डूबते डूबते रह गए भाई। तो गाइस सेकंड लेवल भी इजीली क्रॉस कर दिया है। अब बढ़ेंगे हमारे थर्ड लेवल की ओर। गाइस इधर भी पानी बहुत ज़्यादा है, देख ही सकते हो गाइस। ये भी इसने इजीली कंप्लीट कर दिया है गाइस। और ये गाइस आखिरी लेवल की ओर। तो गाइस देखते हैं आखिरी लेवल में क्या कमाल करती है गाइस नेक्स्ट ऑन। और गाइस आखिरी लेवल भी बहुत ही सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिया है गाइस। अब देख ही सकते हो बहुत ही इजीली कंप्लीट कर दिया इसने। तो गाइस अपनी नेक्स्ट ऑन भी होती है ये टेस्ट में पास। तो गाइस बढ़ेंगे हमारी अगली कार की ओर, जो है अपनी महिंद्रा की थार। तो गाइस इसका भी हाइट काफ़ी ज़्यादा सही है। गाइस देखते हैं अपनी थार ये वाला टेस्ट में कैसा परफॉर्म करती है। गाइस पहला लेवल तो काफ़ी इजीली पार कर दिया, पानी इसके टायर तक भी नहीं पहुँचा। अभी बढ़ेंगे अपने सेकेंड लेवल की ओर। तो गाइस सेकेंड लेवल बहुत ही मुश्किल होने वाला है। गाइस आप देख ही सकते हो पानी का लेवल काफ़ी सही था, बहुत ही ज़्यादा था, फिर भी थार ने इसको इजीली कंप्लीट कर दिया है। अभी आता है थर्ड लेवल। यहाँ पे वेव्स के भाई बढ़ते जा रहे हैं वेव्स। गाइस ये भी पार कर दिया है अपने थार ने। और ये आखिरी लेवल आ चुका है गाइस, इसमें देखेंगे क्या होता है इसका हाल। गाइस काफ़ी सही परफॉर्म करिए, लेकिन गाइस अरे भाई बच गए, मेरे को लगा बंद पड़ने वाले। तो गाइस अपनी थार ने कर दिया है ये वाला चैलेंज कंप्लीट। अपने थार में भी बहुत ही सही वाटर रेजिस्टेंस कार है भाई। तो गाइस बढ़ते हैं अपनी अगली कार की ओर, जो है अपनी इनोवा। तो गाइस इनोवा में देखते हैं गाइस ये वाला टेस्ट कैसा परफॉर्म करते हैं। हाइट भी काफ़ी ज़्यादा है इसका। गाइस फर्स्ट लेवल तो हो चुका है क्लियर इजीली। अब भाई सेकंड लेवल आ चुका है, अब आ चुका है सेकंड लेवल। गाइस सेकंड लेवल बहुत ही ज़्यादा डेंजर होता है, देखेंगे गाइस कैसा परफॉर्म करती है अपनी इनोवा। गाइस सेकंड लेवल इजीली क्रॉस हो चुका है। अब बढ़ेंगे अपने तीसरे लेवल की ओर। गाइस तीसरे लेवल तो इजीली कर देगी भाई, तीसरा लेवल भी इजीली क्रॉस हो चुका है गाइस। और गाइस ये लास्ट लेवल है गाइस, देखते हैं इसमें क्या परफॉर्म करती है गाइस। तो गाइस लास्ट लेवल भी बहुत ही सक्सेसफुली क्रॉस कर दिया। तो गाइस अपनी इनोवा ने भी इसको बहुत ही आसानी से क्रॉस कर दिया है। तो गाइस इसको भी हम लोग इधर ही साइड में पार्क कर देंगे। तो गाइस बढ़ेंगे हमारे अगले कार की ओर, जो है अपनी होंडा की एकॉर्ड। तो गाइस देखते हैं एकॉर्ड ये वाला जो टेस्ट है वो कैसा परफॉर्म करती है। तो गाइस एकॉर्ड का ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी लो है, इसका हाइट भी काफ़ी लो है, तो इसको दिक्कत आ सकती है ये वाले टेस्ट में। गाइस देखते हैं क्या होता है गाइस इसका हाल। गाइस पहला वाला तो इजीली पार कर दिया है भाई। अब बढ़ेंगे सेकंड पे, जो सबसे मुश्किल है। गाइस सेकंड देखते हैं गाइस सेकंड में क्या होता है इसका। गाइस थोड़ी दिक्कत आ रही है, लेकिन अपना इंजन चालू है गाइस अभी भी। गाइस सेकंड में भी पार कर दिया है भाई इसने। अब बढ़ेंगे थर्ड की ओर, थर्ड भी इजीली पार कर दिया है भाई। अब फोर्थ बचा है भाई, देखेंगे फोर्थ में क्या होता है इसका। अरे भाई पतरा उड़ चुका है आगे का, बोनट उड़ चुका है। लेकिन गाइस सरप्राइजिंगली अपनी होंडा की एकॉर्ड है, उसने ये वाला चैलेंज कर दिया है सक्सेसफुली पास। आप देख सकते हो गाइस बोनट वोनट उड़ चुका है इसका पूरा, लेकिन कोई बात नहीं। तो गाइस बढ़ेंगे हमारे अगली कार की ओर, जो है अपनी ब्रेजा। तो गाइस आज तक के हिस्ट्री में अपनी ये जो ब्रेजा है, इसने एक भी चैलेंज कंप्लीट नहीं किया है। मेरे वाले एटलीस्ट मेरे वाले जितने भी मैंने एपिसोड्स बनाए, उसमें आज तक ब्रेजा ने एक भी टेस्ट पास नहीं किया। तो गाइस देखते हैं ये वाला चैलेंज कंप्लीट कर पाती है कि नहीं। तो गाइस लेवल वन क्रॉस कर दिया है भाई इसने, काफ़ी हिल रही है गाड़ी। बढ़ेंगे अपने लेवल टू की ओर। तो गाइस लेवल टू भी भाई पार कर दिया है भाई इसने सरप्राइजिंगली। और भाई अभी लेवल थ्री पे जा रही है, और गाइस लेवल थ्री पे पहुंच चुके हैं गाइस ये। लेवल थ्री भी हो चुका है भाई बहुत ही शानदार तरीके से पार। तो गाइस ये आखिरी लेवल है। तो गाइस क्या अपनी ब्रेजा हिस्ट्री बनाएंगी, गाइस देखते हैं गाइस क्या होता है इसका हाल। अरे भाई बहुत ही सही भाई, पहला चैलेंज है भाई अपने ब्रेजा ने कम्प्लीट कर दिया है ये वाला। बहुत ही तगड़े तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से अपने ब्रेजा ने ये वाला चैलेंज कर दिया है कंप्लीट। गाइस इसको भी हम लोग यहीं पे पार्क कर देंगे साइड में। तो गाइस बढ़ेंगे हमारी सेकंड लास्ट कार की ओर, जो है अपनी टाटा की सफारी। गाइस इसका भी हाइट काफ़ी अच्छा है, तो इसको दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए, लेकिन गाइस कुछ बोल नहीं सकते। मैंने देखा फॉर्चुनर तो इतनी अच्छी गाड़ी होने के बावजूद हो चुकी है डिस्क्वालीफाइड, तो गाइस सफारी का भी कुछ बोल नहीं सकते। तो गाइस लेवल वन देखते हैं कैसे कंप्लीट करते हैं। गाइस लकीली इसको पानी मिला ही नहीं लेवल वन। अब बढ़ते हैं भाई सेकंड लेवल पे। गाइस ये देखते हैं गाइस सेकंड लेवल पे क्या परफॉर्मेंस देती है। अरे भाई भाई लकीली निकल चुकी है गाइस सेकंड लेवल से। अब बढ़ेंगे भाई तीसरी लेवल की ओर। अरे भाई कोई बात नहीं भाई, तीसरा भी लेवल हो चुका है कंप्लीट।
और गाइस ये आखिरी लेवल है गाइस, देखते हैं इसमें क्या होता है। बहुत ही इजीली भाई, बहुत ही इजीली पार कर दिया। तो गाइस सफारी भी होती है अपनी क्वालिफाई, इसको भी अपन रख देंगे इधर साइड में। तो गाइस बढ़ेंगे हमारी लास्ट कार की ओर, जो है अपनी जीप। तो गाइस जीप का वाटर रेजिस्टेंस काफ़ी लो है, आपने देखा ही होगा जितने भी अपन ने टेस्ट इसके पहले किए उसमें जितना भी वाटर का जो भी चैलेंज था उसमें अपनी जीप होती है फेल हमेशा। गाइस देखते हैं गाइस इसमें क्या परफॉर्मेंस देती है अपनी जीप। लेवल वन तो भाई कर दिया है इजीली कंप्लीट, अब पढ़ेंगे लेवल टू की ओर। और गाइस ये सबसे चैलेंजिंग हो सकता है, गाइस इसमें पार कर दिए तो हो सकता है आगे इजीली कर दे, बस तो सेकंड लेवल भी कंप्लीट कर दे। अब बढ़ेंगे तीसरे लेवल की ओर। तो गाइस तीसरा लेवल भी इसने कर दिया है कंप्लीट, और ये भाई आता है लास्ट लेवल अपना। तो गाइस लास्ट लेवल भी हो जाना चाहिए गाइस मेरे हिसाब से तो। अरे भाई चढ़ जा गाइस। तो गाइस जीप ने भी गाइस ये वाला जो चैलेंज है वो सरप्राइजिंगली कंप्लीट कर दिया है। तो गाइस जीप हमारी आखिरी कार है जिसने ये वाला चैलेंज कंप्लीट कर दिया है, गाइस को भी हम लोग इधर ही पार्क कर देंगे। तो गाइस आपने देख लिया कैसे ये सारे अपने इंडियन कारों ने ये वाला जो वाटर रेजिस्टेंस का चैलेंज था वो कर दिया है कंप्लीट। तो गाइस इसी के साथ हमारा वीडियो यहीं पे होने वाला है एंड। तो गाइस ये सारी इंडियन कारों के लिए एक लाइक तो बनता है, तो गाइस जल्दी से जाके फटाफट एक लाइक कर दो नीचे, और आप कमेंट में मुझे बताओ कि ये सारे कारों में से आपको कौन सी कार सबसे बेस्ट लगी। तो गाइस इसी के साथ हमारा वीडियो होता है यहीं पे एंड। मैं आपको फिर से मिलूंगा हमारे अगले वीडियो में, तभी तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।